साईं बाबा दीपावली के दिन अपनी द्वारका माई पर पानी का दिया जलाए थे। क्यों जलाए थे, क्या कारण था? क्या श्रीणी गांव में बाबा को तेल का भाव था? नहीं, बाबा का चमत्कार इतना भयानक हो रहा था कि गांव का वैद्य पंडित कुलकर्णी पटवारी जो फिरंगियों का पटवारी था उसके बाबा की लीला, बाबा का रहन सहन अच्छा नहीं लगता था। उसने सारे दुकानदारों को मना किया कि आज देखते हैं ये द्वारका माई में कैसे दीप दान करेगा। साईं बाबा जब शाम के 5 बजे उन दुकानदारों के पास तेल मांगने गए तो वो दुकानदार अपने सारे दीपा को अपने घर में रख दिए थे, और बाबा जब भिक्षा मांगने गए तो श्री साईं बाबा को तरह तरह का अपमानित किए, ऐसा अपमानित किए कि अगर आपको कोई छोटा सी बात बोल दे तो आप उसको गांठ बांध लेते हैं। मगर साईं श्रद्धा के सागर, विश्वास के सागर थे, अल्लाह माली राम तेरा भला करेगा। और शाम के बाबा ने उस बिटिया के साथ उस तमरेल का जल पिए और सारे दीपक पे डाले और उस द्वारका माई में रात भर दीपक जला, और यह चमत्कार देखकर वो व्यापारी द्वारका माई में आए और बोले, बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ करना। बाबा ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। और जब वो व्यापारी अपने घर उस तेल का टीपा लेने गए तो क्या देखे, टीपा खाली मिला। ऐसा चमत्कार शिरडी में श्री साईं बाबा ने द्वारका माई में दिखाया था। मेरे भक्तों, इस द्वारका माई में आप इस धाम को तेल का दान करिए ताकि दीपावली के दिन यहाँ आपके नाम से जगमग ज्योत जले, और जलने के बाद साईं बाबा आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करेंगे। जरूर आप दीप का तेल का इस द्वारका माई दान करिए। जय जयकार होगी। ओम साईं राम, जय साईं।